मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डीपीएस स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट के, यहाँ पे टीजीटी पीआरटी और अदर रिक्रूटमेंट मतलब मिसलेनियस रिक्रूटमेंट, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में। क्या एज है, क्या फ़ी है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है और कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर टीजीटी के लिए जो कि मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड होते हैं, पीआरटी के लिए जो कि प्लस टू प्लस जेबीटी ईटीटी या बीएलएड या डीएलएड जो भी है, और उनके तहत ये रिक्रूटमेंट है। अदर रिक्रूटमेंट मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट डाला गया है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो नाउ। तो ये वैकेंसी है दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क वी ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आप ये वैकेंसी नोटिस देख सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट टीचर विद मिनिमम 3 to 5 year एक्सपीरियंस टीचिंग इन रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल विद गुड कंप्यूटर स्किल्स एंड द एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। पीआरटी एंड टीजीटी के लिए यहाँ पर इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जर्मन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड थिएटर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, एक्सपीरियंस टीचर टू टीच प्री प्राइमरी क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पर सैलरीज एज पर द डीपीएस सोसाइटी रूल्स। एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड एंड टू बी सेंड टू द स्कूल एड्रेस और अप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन टू द मतलब आप स्कूल के वेबसाइट से डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 15 डेज के अंदर। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई करने का, ऑनलाइन मोड से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यू मे फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग द लिंक गिवन बिलो एंड फिल द डिजायर इन्फॉर्मेशन एज आस्क्ड। After filling up form, you need to pay amount of 200 rupee against your application. After submitting your application, you will be getting an SMS आएगा जिसके through confirmation हो जाएगा कि आपका application form submit हो चुका है। If you profile get shortlisted, you will be intimated regarding the same. जैसे ही आप shortlisted हो गए तो आपको बुलाया जाएगा। अगर offline mode के through आप form fill करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से download कर लेना है application form को और आपको इस address पर 5 अगस्त तक भेज देना है। ठीक है, 5 अगस्त तक इस एड्रेस पर भेज देना है। आपका ड्राफ्ट लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपये का। पब्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क वी पेएबल एट द ग्रेटर नोएडा, दिल्ली मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये नॉन टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म है या टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले नॉन टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार खोल लेते हैं। ये फॉर्म किस तरह का खुलेगा वो देख लीजिएगा। ये इस तरह का फॉर्म खुलेगा। आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट डालनी है, आपका फ़ोटो लगाना है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वर्ड्स में लिखनी है, एज लिखनी है कितनी हुई है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी इंडियन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चे कितने हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी बोल सकते हैं, फादर मदर या स्पाउस हो, ऑक्यूपेशन क्या है फादर मदर या स्पाउस का, एड्रेस एंड उनका टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है, वर्क का एक्सपीरियंस डालना है आपका। यहाँ पर प्रेजेंट में आपकी जो सैलरी है स्केल है वो कितना है, टाइम कितना हुआ रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इफ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कितने रिक्वायर्ड करते हो ज्वाइन करने का, अदर एरियाज अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूट है तो। ये रेफरेंस है, आपको यहाँ पर नेम एड्रेस वगैरह डालना है। ये एनी अदर इंफॉर्मेशन है, ये आपका ड्राफ्ट लगेगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच जाइएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट माना जाएगा।
फिर अगर आपको टीचिंग एप्लीकेशन वाला फॉर्म खोलना है तो यहाँ से खोल सकते हैं। ये भी सेम ही फॉर्म खुलेगा, इस तरह का कुछ फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर पीआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया है, टीजीटी के लिए आपको बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं। और प्लीज़ अनक्लेव, एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, प्लीज़ एनक्लोज ए हैंड रिटन पैराग्राफ भी लिखना है 100 से 100 तक, वाई आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, क्यों आप यहाँ पर अपने आप को सुटेबल मानते हो इस पोस्ट के लिए। अगर ऑफलाइन डालना है ड्राफ्ट लगेगा, अगर आपको ऑनलाइन डालना है तो 200 रुपये यहाँ पे चार्ज देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, अगर आप एम्प्लॉई हो किसी स्कूल में या किसी रेप्यूटेड स्कूल में तो आपको, इफ वर्किंग विद एनी अदर ब्रांच ऑफ डीपीएस में कहीं काम करते हो और आप यहाँ करना चाहते हो तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको NOC यहाँ से लेना होगा। डेट डालनी है, सिग्नेचर कर देना है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 10 डेज के अंदर। कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच विद इन 10 डेज, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन था जो कि भाई आपको बताना था। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो, एंड इफ यू आर न्यू मेंबर ऑन माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड द रिक्रूटमेंट स्पेशल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।